नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से, मेरे गांव से। तो आजकल तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो ये इलाका है ना, मतलब जो गांव है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो जो गांव है ना, तो ये ना जंगल में है, मतलब चारों तरफ घने घने पेड़ हैं और धूप यहाँ से 2-2.5 बजे बिल्कुल चली जाती है, मतलब घर से हमारे, और जो है उस साइड को धूप चली जाती है। लेकिन इतना यहाँ फ़ायदा है कि यहाँ धूप ना सुबह जल्दी आ जाती है, तो मॉर्निंग में जल्दी धूप आ जाती है। जैसे सूरज उगता है तो धूप पहले यहीं पड़ती है, लेकिन शाम को जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ हो जाता है। सुबह शाम तो आपको पता ही है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहाड़ है तो पहाड़ों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैं भी आपको सुबह का बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी 8 बजे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर धूप कितनी अच्छी है, गुनगुनी, कितनी प्यारी धूप लगी हुई है। तो आप मेरे साथ मिले ब्लॉग में बने रहिए। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है, कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ों के बीच पीछे से सूरज को उगते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह। और आप देख सकते हैं सीधी धूप अंदर तक आ रही है, अभी अभी जस्ट सूरज उग रहा है। तो हमारी चाय जब तक बनती है, मैं तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ फिर से। जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो उस साइड को कम से कम 9, 9:30, 10 बजे तक धूप आती है। लेकिन यहाँ इतना फ़ायदा है कि सुबह धूप बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ, शाम को जल्दी धूप चली जाती है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी आ जाती है। दोस्तों, मैं राजमा गरम कर रही हूँ, ये कल रात के राजमा हैं। तो राजमा तो कल शाम के हैं, और तो मैं आमलेट बना रही हूँ थोड़ा। जैसे कि माल्टा पक चुके हैं, मौसमी जो होती हैं तो निकाल रहे हैं लोग, कई लोग जूस बना रहे हैं, कई लोग घर में जो कचमूली बोलते हैं जिसको नमक मिर्च मिला के जो खाते हैं वो बना रहे हैं, मतलब जो जिस तरह से यूज़ कर सकता है वो लोग कर रहे हैं। ये है मेरी छोटी सी डोलची, इसमें 1/2 किलो से कम दूध आता है, क्योंकि मैं दूध लेने जाती थी ना। और इसमें मैंने मलाई रखी हुई है दूध की, वो इस साइड में ना ख़राब भी होने लग गई थी, तो मैं इसको गलाती हूँ। मैंने इसमें मलाई डाल दी है और मैं इसको गलाने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बहुत गलने में। ये अच्छी तरह से गलेगा ना, उसके बाद इसमें से घी निकलता है। घी भी निकल के तैयार है, और इसमें इस बार काफ़ी घी लगा है, क्योंकि मलाई ज़्यादा थी तो घी भी ज़्यादा लगा है। और जो इसके नीचे जो बचा हुआ है ना, ये भी रोटी में खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो मैं इसको एक बोतल में, तो मैं इसको एक शीशी में रख देती हूँ, और फिर जो नीचे का बचेगा इसको रोटी के साथ में खाएँगे। तो मैं आई हूँ अपनी छत में, और ये सीज़न का लास्ट कद्दू है, और ये बचा के रखा होता है, इसको ढक के रखा होता है, तो मैं ये दराती लेके आई हूँ, क्योंकि ना बंदर आते रहते हैं तो भरोसा नहीं, इसको भी वो खा जाएंगे। ये पत्तों से मैंने अच्छे से ढका हुआ था, तो मैं इसको अब निकाल देती हूँ, क्योंकि अब जो इसकी जो बेल है ना वो सूखने लग गई कद्दू की, क्योंकि अब सीज़न नहीं है तो फिर बेल तो सूखने लग गई। तो मैं इसको काट के इसको नीचे रख दूँगी। तो हमारा दिन का खाना तैयार है, और मैंने खाने में ये पापड़ भी भुने हैं। हमारा दिन का खाना बनके भी तैयार है। आज मैंने मोटी दाल बना रखी है, मिक्स दाल, और ये दाल सब घर की हैं, सोयाबीन, उड़द, हरी दाल सब मिक्स करके, और ये थोड़ा सा पापड़ भी। मेरे हाथ में है ये आंवले की खट्टी मीठी चटपटी गोलियाँ, जो मैं हमेशा दिन में खाना खाने के बाद लेती हूँ। बेटा आदमी था कड़ी नीचे बगान बगान ये प्याज छ मामी प्याज दिन जी की यू मिले दोल वाले।
मेरा म्यारी डालूं छे एक ही छे क्या ना 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 रानी दियो ते हल्के का नहीं लगे दे एक में लगे दियो का क्या एक रुपया दूला बात रोजी आज वो कर ना। तो आजकल लोग हल्दी वगैरह निकाल रहे हैं अपने सगोड़े से और नहीं लो एक अनिल को डाल दे किराए की काम जी सुनता खाली ना ना अभी तो भी जाम जी पूर उग एक बटे उग बटे की उग तक है पूर सगोड़ लगाते हैं ये और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक हल्दी की गांठ है एकदम प्योर हल्दी है ये प्योर कोई मिलावट नहीं खुशबू का कच्चे आने ना है हल्दी खुशबू अच्छा ना खुशबू पानी डल दिया है कितना भी तो सूखी हूँ जो खाली एक जो पुराना लगा अच्छा जैसे काल हो गया ना लगा ही लगाना वाला हल्दी और अगर आपको मेरा व्लॉग मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में तब तक के लिए नमस्कार।